का मुद्दा आज सड़कों पर उतरकर दलित आदिवासी ओबीसी माइनॉरिटीज और जितने भी प्रगतिशील साथियों ने आज जो एकता का एकजुटता का जो प्रदर्शन किया है उसको देखकर लगता है कि भाजपा के कोफूर में 2019 के चुनाव के वक्त ये आखिरी खिला ठोकने का काम करने वाला है। साथियों एक लाइन में कहे तो ये गुस्ता की और कुछ नहीं, नागपुर में बैठे द्रोणाचार्य के इशारों पर दिल्ली में बैठे तुल्यधर और दुशासन ने मिलकर दलित और आदिवासी समाज के एकलव्यों के अंगूठा काटने का ये फॉर्मूला बनाया। और इसलिए आपके बीच में ये जो गुस्सा दिख रहा है इस गुस्से को जिंदा रखिएगा। ये गुस्सा केवल संविधान के साथ छेड़खानी का नहीं, ये केवल 13 पॉइंट रोस्टर का नहीं, ये गुस्सा उम्र का भी है, रोहतिया का है, सहारनपुर में जो घर जले उनका भी है। संविधान के साथ छिड़खानी हुई तो अप्रैल के बंद के दौरान जिन साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे, इन सारे मुद्दे को लेकर याद रखकर इस गुस्से को बरकरार रखना है। और इस गुस्से के साथ 2019 के चुनाव में हमको जाना है। ज्यादा मैं कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सभी युवा साथियों के बीच में ये बात मैं बार बार दोहराना चाहूंगा कि 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा तो है ही है, लेकिन हम सभी को यह नहीं भूलना कि हमारी तरह लड़ने वाले बहुत से साथियों को आज भी भूमा कोरेगांव के मामले में जेल में डाल के रखा है। इन सभी साथियों को भी छुड़वाना है। आज जो साथी हमारे बीच पे मंच पर उपस्थित होते उन भीमा कोरेगांव के साथियों को हम सलाम करते हैं, उनको याद करते हैं और उनको ये कहेंगे कि यदि मोदी की सरकार गई और दूसरी जो भी सरकार सत्ता में आई उनको भी कहेंगे कि भीमा कोरेगांव के सारे मुकदमे आपको वापस करना पड़ेगा। आज प्रगतिशील अंबेडकरवादी साथी डॉक्टर अनिल तेलतुंबड़े जो हमारे देश में होने चाहिए उनकी गिरफ्तारी का, उनके अरेस्ट का एक षड्यंत्र मोदी और महाराष्ट्र की सरकार बनाकर बैठी है। हम इस मंच पर से कहना चाहते हैं, अब फेसबुक पे लिखे, अब ट्वीट करिए, व्हाट्सएप में कैंपेन करिए, जनसभा में खड़े होकर बोलिए, जहां पर भी आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, इन 13 पॉइंट रोस्टर के साथ साथ इस बात के ऊपर भी जोर लगाइए कि किसी भी कीमत पर हमारे साथी आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी नहीं चलेगी और भीमा कोरेगांव में जो भी मानव अधिकार के कार्यकर्ता अंबेडकर के आपने गिरफ्तारी की है उन सभी को छोड़ना पड़ेगा। इसी बात के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।